Hello everyone, welcome to this lecture on tissue culture media. So हम इस lecture में discuss करेंगे media क्या है, कैसे media useful है animal cells growth में, media के different components क्या है, उन components का role क्या है, उनमें से important components कौन से component को कितने amount में आप डालते हैं, किसका role as major component है और as minor component है. तो first of all हम discuss करते हैं कि आज हमारे पास जैसे टिश्यू कल्चर मीडिया होता क्या है. अब टिश्यू कल्चर मीडिया या मीडिया इन जनरल टर्म आप सुनते आ रहे होंगे, बैक्टीरियल कल्चर से आपने स्टार्ट किया था, आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में भी सुना होगा. हर कल्चर की ग्रोथ के लिए एक मीडियम चाहिए. मीडियम का मतलब है वो बेसल सॉल्यूशन जिसको यूज करके आप सेल्स को ग्रो करवा सकें. मतलब सेल्स को ग्रो करवाना है, जो भी चीज़ें आपको उसमें लगेंगी वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी उसके लिए मीडियम. अब कई बार आपको पता होता है कि आप क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो, मतलब उन चीज़ों का कॉम्पोजिशन पता होता है, कई बार आपको कॉम्पोजिशन नहीं पता होता. तो अगर आपको कॉम्पोजिशन पता है आपके हर एक कॉम्पोनेंट का जो एक मीडिया सॉल्यूशन में जा रहा है, तो उस मीडिया को आप कहेंगे डिफाइंड मीडिया. मीन्स ऐसा मीडिया जिसमें आपके जितने भी कॉम्पोनेंट्स गए हैं, से 10 कॉम्पोनेंट्स हैं, 10 के 10 का आपको अमाउंट पता है, तो उसे आप बोलेंगे डिफाइंड मीडियम. और कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जिसमें आपको सपोज 10 कंपोनेंट जाते हैं, तो 8 का तो आपको पता है कितना अमाउंट जाता है, तो 2 का आपको पता नहीं कि उसमें क्या है. वो आप डालते तो हैं लेकिन उसमें आपको पता नहीं कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें कितने अमाउंट में हैं. तो उस तरह के कंपोनेंट जिनका आपको कॉम्पोजिशन खुद का नहीं पता होता, देर कॉल्ड एज अनडिफाइंड, दैट दे फॉर्म द अनडिफाइंड मीडियम. तो मीडियम इन ए जनरल सेंस एक सॉल्यूशन है चीज़ों की, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, जो एसेंशियल है किसी भी सेल्स को इन विट्रो बॉडी से बाहर ग्रो करवाने में, उसको अच्छे से मेंटेन करने में, उसको प्रोलिफरेट करने में जो हेल्प करे, ऐसी सॉल्यूशन को हम मीडियम कहेंगे. तो टिपिकली एक मीडियम में आपको 2-3 चीज़ें जो किसी भी मीडियम में रहती है, सबसे पहले कार्बन सोर्स या एनर्जी सोर्स आपका. जैसे हम टिपिकली जो मीडिया एनिमल टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं उसमें ग्लूकोज रहता है. उसके बाद फैट्स, फैटी एसिड्स थोड़े रहेंगे आपको एज एन उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एनर्जी सोर्स या एज ए एनर्जी सोर्स विच माइट बी यूज इन केस ऑफ ग्लूकोज. जब यूजअप होने लग जाए तो थोड़ा उस टाइम यूज हो जाए. या फैटी एसिड्स में के और भी रोल हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज प्रीकर्सर्स टू मैनी अदर थिंग्स इन द सेल साइकिल और सेल ग्रोथ. तो उसके बाद लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मीडिया. इसके अलावा जैसे इसमें लिख रखा है कि एक कंपोनेंट का नाम है सीरम, इसके बारे में मैं एक स्लाइड पूरी लूंगा. सीरम एक ऐसी चीज़ है जो अनडिफाइंड है, जो आप लेते हैं फॉर एग्जांपल फीटल बोवाइन सीरम या काफ सीरम लेते हैं, तो उसमें आप सीरम में क्या है हमें पता नहीं. मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का पता है लेकिन उनकी अमाउंट नहीं पता हमें. तो वो एक अनडिफाइंड सा कॉम्पोनेंट है जो मीडिया में जाता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ, सेल को प्रोलीफरेट कराने में ओवर नंबर ऑफ जनरेशन. जब आपको सेल को ग्रो कराना है 3, 4, 5, 10, 15, 20 जनरेशन, उस केस में आपका सीरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आगे चलते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम के बाद आपके पास जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से मीडियम. मतलब जैसे मीडिया अगर आपने डाला तो उस मीडिया का पीएच कितना होना चाहिए. इसका पीएच होना चाहिए लगभग 7.2 से 7.4, जो हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास है या फिजियोलॉजिकल पीएच से मैच करता है. जिस पीएच में सेल बॉडी में होते हैं वही पीएच आपको बाहर देना है. अच्छा, इस पीएच को इंडिकेट करने के लिए कि पीएच मीडिया का ठीक है या नहीं ठीक है, हम एक इंडिकेटर डालते हैं, फिनोल रेड इस इंडिकेटर का नाम है. ये इंडिकेटर जब ये आपका 7.2 से 7.4 होगा तो ब्लड रेड कलर देगा, लेकिन अगर इसका पीएच फॉल करता है, मींस ये एसिडिक साइड पे जाता है, तो इट स्टार्ट्स टर्निंग येलोइश. और अगर यही आपका मीडियम जो है बेसिक साइड चला जाता है, दिस रेड कलर स्टार्ट्स टर्निंग पिंक और पर्पल. सो बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द मीडियम आप बता सकते हैं कि आपका पीएच जो है वो एक अपनी जो अलाउड रेंज में है या नहीं, या ऊपर या नीचे हो गया है. बेस्ड ऑन द कलर आप ये बता सकते हैं. ऐसा देखा गया है अगर आप मीडिया को बॉटल्स में डाल के लंबे समय तक बाहर रखते हैं, रेफ्रिजरेटेड में नहीं रखते, तो वो थोड़ा सा बेसिक होने लग जाता है ओवर टाइम. ऑक्सीजन दूसरी चीज़ है कि ऑक्सीजन का क्या रोल है. ऑक्सीजन जो है आपको कहाँ से आता है, आप क्योंकि इंक्यूबेटर में CO2 है. सेल्स जो है टिपिकली जब कल्चर में ग्रो करते हैं तो वो ग्लाइकोलिसिस से अपनी एनर्जी निकालते हैं, उनको जितनी एनर्जी चाहिए होती है ग्लाइकोलिसिस उनको सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी दे देती है. तो ऑक्सीजन जो है वो भी वहीं से आता है आपका. फिर आपका उस ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में मीडिया का कॉम्पोनेंट है सेलेनियम, जो ऑक्सीजन को डिफ्यूज करता है. और ग्लूटाथायोन जो है फ्री रेडिकल्स अगर बने, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन बना, तो उसको स्केवेंज करे, उसको निकाल लेता है कल्चर से ताकि वो ग्रोइंग सेल्स को हार्म ना करें. दूसरा बात आती है टेम्परेचर.
कौन सा टेम्परेचर सेल्स को अच्छा लगता है, कौन सा टेम्परेचर सेल्स प्रेफर करते हैं, तो प्रेफर टेम्परेचर वही है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो 2-4 डिग्री का ऊपर नीचे तो सेल्स उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हमें अपने इंक्यूबेटर को जहां पे हमें सेल्स को रखना है उसका टेम्परेचर 37 पे सेट करना है, ताकि सेल्स जो हैं दे गेट ए वेरी ऑप्टिमम टेम्परेचर टू ग्रो। मूविंग ऑन, इसके अलावा हमारा ह्यूमिडिटी, मैंने कहा आपका जो चेम्बर है, जो आपका इंक्यूबेटर है, वो ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर्स होते हैं। उन ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर्स में इट इज सीन कि 100% ह्यूमिडिटी मीन्स पानी से वो नीचे वेपर उसके हो, ह्यूमिडिफाइड रहे, तो आपका मीडिया जो है कम से कम इवेपोरेट होता है और वो बना रहता है आपके वेसल्स के अंदर और सेल्स को कवर करता है, और सेल्स को मीडिया इवेपोरेट होने से कोई लॉस नहीं झेलना पड़ता। नेक्स्ट आइटम जो हम ऐड करते हैं अपने मीडियम में, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारे कंपोनेंट्स हो गए, सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक, क्योंकि मीडिया में सब कुछ है, खाने पीने वाला सामान सब कुछ है। अब उसको देख के कुछ बाहर से जो कंटामिनेंट्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, दे माइट कम एंड ग्रो देयर, तो उनके ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स डालते हैं, जैसे पेंसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, जेंटासिन हो गया, यहाँ पे एक और लिस्ट है, नाइस्टैटिन है, ये सारे के सारे आपके, आप देखिए जैसे पेंसिलिन इज फॉर बैक्टीरिया ओनली, स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर बैक्टीरिया ओनली, जेंटामाइसिन फॉर बैक्टीरिया ओनली, नायस्टैटिन फॉर फंगस एंड यीस्ट ओनली, कैनामाइसिन हम डालते हैं, वो बैक्टीरिया को भी किल करती है और फंगस को भी किल करती है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉमनली हम मीडिया में डालते हैं जब हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं फॉर एनिमल टिश्यू कल्चर। मूविंग ऑन, हमारे पास देखिए मीडिया के दो टाइप्स हैं ब्रॉडली। नेचुरल मीडिया वो है जहाँ पे आपने कुछ भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, बाहर से सॉल्ट वॉल्ट ऐड नहीं किए, आपने कुछ प्री एग्जिस्टिंग चीज को लेके उसके ऊपर सेल्स को ग्रो करवाने की कोशिश की, जैसे अर्ली टाइम क्लॉट्स को हम यूज, जो प्लाज्मा क्लॉट्स होते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसको यूज करके हम सेल को ग्रो कराते हैं। आजकल तो लिक्विड प्लाज्मा मिल जाता है, तो लिक्विड प्लाज्मा की प्लाज्मा कॉम्पोजिशन हमें मोर लेस पता है, लेकिन कुछ कॉम्पोनेंट्स ऐसे होंगे प्लाज्मा में जो किसी टाइम होंगे किसी टाइम नहीं होंगे, तो वो चीज़ें इसको एक अनडिफाइंड मीडियम बनाती है। तो क्लॉट्स में आप ग्रो करते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड, आप एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हो वूम से, आप आई का एक्वस ह्यूमर ले लो, आप हीमोलिम्फ ले लो यानी कि ब्लड किसी इंसेक्ट से, या सीरम आप किसी ऑर्गेनिज्म से ले लो, उनमें सेल्स को ग्रो कराने की कोशिश करो, वो सभी कहलाते हैं आपके, वो फॉल करते हैं अनडिफाइंड मीडिया के अंडर, और वो नेचुरल मीडियम्स हैं जिनमें सेल ग्रो करते हैं, बिकॉज बॉडी में आप इन्हीं फ्लूइड्स में सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और थ्राइव करते हैं। इसके बाद आपके पास है जैसे टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स है, तो आप चिकन एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, मीन्स ऐसे टिश्यूज लेने हैं जिसमें ऐसे ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के हों और सेल्स की ग्रोथ को वो प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें। सो टिश्यू एक्सट्रैक्ट कह रहे हैं, अगर आपने बाहर टिश्यू एक्सट्रैक्ट आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे अमाइनो एसिड्स डाल सकते हो, उसको सप्लीमेंट करके कुछ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। मूविंग ऑन, आपके पास आप देखिए जो सबसे कॉमन जो हम यूजुअली लैब्स में यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल मीडिया कहलाता है। आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर आपके पास है क्या, एक बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक उसका पीएच फिक्स रखना है आपका, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी फिक्स रखना है, ये अनेबल करते हैं सेल्स का प्रोलॉन्ग्ड सर्वाइवल, आप सेल्स को ग्रो कर सकते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ यू सप्लीमेंट द सॉल्ट सॉल्यूशन विद सीरम और कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप डालिए, तो उसमें आपका जो सेल्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है, वो अच्छे से हैप्पीली ग्रो करते हैं। देन इंडेफिनेट ग्रोथ से कैंसर सेल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सीरम रिच मीडिया हेल्पफुल है, या कई बार आपके कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जैसे स्टेम सेल्स हैं या कुछ, तो उनमें आपको फिडल करना पड़ता है मीडिया कंपोनेंट्स के साथ, आपको ऐसे कंपोनेंट्स डालने पड़ते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने पड़ते हैं जो उन सेल्स की ग्रोथ के लिए बड़े यूजफुल हों। ओके, सो मूविंग ऑन विद द आर्टिफिशियल मीडिया, हमारे पास बड़े कॉमनली यूज मीडिया हम कॉमनली लैब में यूज करते हैं, उनके नाम मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे आपके पास MEN है, एम है मिनिमम एसेंशियल मीडिया, ईगल इज वॉज अ कंपनी हु डिवाइज्ड इट, तो ईगल्स बेसल मीडिया इज अ बेसल सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको आपको सप्लीमेंट करना ही पड़ता है। देन कम्स मिनिमम एसेंशियल मीडिया, उसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स और ऐड हो गए। देन वी हैव द कॉमनली यूज DMEM एंड RPMI, ये दो बहुत कॉमनली यूज मीडियम्स हैं, इनको हम सप्लीमेंट करते हैं सीरम के साथ और एंटीबायोटिक्स के साथ बिफोर वी स्टार्ट ग्रोइंग सेल्स इन देम, तो ये अच्छे मीडियम्स हैं दोनों और बहुत वाइडली यूज मीडियम्स हैं DMEM और
आरपीएमआई। इसके अलावा आपके पास F12 मीडियम है या और बहुत सारे मीडियम्स हैं जो स्पेसिफिक कामों के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों बेसल मीडिया की तरह या बहुत सारे सेल लाइन इन दोनों में अच्छे से ग्रो करती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास, थोड़ा सा मैं आपसे रोल डिस्कस करूंगा सीरम का बिफोर रैपिंग दिस मीडिया लेक्चर। तो सीरम हमारे पास, एज यू नो, सीरम कम्स फ्रॉम ब्लड। जब आप ब्लड को कोगुलेट होने दो, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करो, जो लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड सीरम। तो सीरम कम्स फ्रॉम द ब्लड, इट कंटेन्स व्हाट इज व्हाट, इट्स अ येलो कलर लिक्विड फॉर्म व्हिच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर फाइब्रिन एंड सेल्स आर रिमूव। तो आपने फाइब्रिन रिमूव कर लिया, आपने सेल्स को रिमूव कर लिया, जो बाकी बचा वो सीरम है। तो फीटस आपका बोवाइन से, मीन्स जो आपके कैटल है वहां से ये सोर्स इसका है, फीटल बोवाइन सीरम का। हम नॉर्मली वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं एज ए सप्लीमेंट टू एनिमल टिश्यू कल्चर मीडियम। सो हम नॉर्मली अपने कल्चर्स में, टिपिकली हमने देखा है लैब्स में, 10% सीरम डालते हैं। मीन्स अगर आपका 900 ml मीडियम है तो 100 ml आप सीरम डालेंगे, ताकि टोटल वॉल्यूम उसका 1 लीटर बन जाए, और उस मीडियम को फिर यूज करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो क्या करता है सीरम, इसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें बड़े सारे ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत हद तक एक बफर की तरह भी काम करता है, ताकि पीएच जो है सिस्टम का चेंज ना हो या ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। तो अब क्या एडवांटेजेस हैं सीरम डालने के बाद, पहले ही कर ली, इट कंटेन्स हॉर्मोन्स, सेल्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल्स की अटैचमेंट में हेल्प करेगा, इट एक्ट्स एज ए स्प्रेडिंग फैक्टर, बफरिंग एजेंट है, बाइंडिंग प्रोटीन देता है सेल को बाइंड रखने के लिए, और मैकेनिकल डैमेज को कम से कम करता है, क्योंकि विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए वहां पे। अब देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें हमें हमारी जो हमारा मीडियम अदरवाइज आपका डिफाइंड है, इसके डालने से उसका यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाती है। हर बार सीरम के जो बैच होते हैं, दे माइट नॉट बी सेम। तो अगेन इसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, सीरम नीड्स टू बी टेस्टेड, इट माइट कंटेन सम हार्मफुल थिंग्स आल्सो इफ द सीरम इज टेकन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड एनिमल। तो अगर वहां से सीरम आ रहा तो वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इट कंटेन्स ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर्स आल्सो, अगर ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं तो ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें प्रेजेंट। इसमें कंटामिनेशन का रिस्क है, मैंने कहा कोई इन्फेक्टेड एनिमल से आपने सीरम लिया तो वो कंटामिनेशन का रिस्क बना सकता है। देन अगर आपने सीरम डाल दिया, उसके बाद सेल कल्चर के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सपोज आप एक हार्मोन निकालना चाहते हैं, कोई ग्रोथ फैक्टर आइसोलेट करना चाहते हैं, तो सीरम के होने से वो टफ हो जाता है उनको आइसोलेट करना। तो जब आपका आइसोलेशन वाला कोई सेल कल्चर प्रोडक्ट्स आपको आइसोलेट करने हो, उस केस में आप सीरम फ्री मीडिया यूज करते हैं, ना कि सीरम के साथ वाला मीडिया। तो ये कुछ डिटेल्स थी आपके मीडियम को लेके, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। टिपिकली एक बार समराइज कर दूं मैं, आपके पास एक एनर्जी सोर्स रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन देयर आर अमाइनो एसिड्स, देन देयर आर मिनरल्स, देन देयर आर विटामिंस। सीरम रहता है एज एन अनडिफाइंड सोर्स जो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, आपका ग्रोथ फैक्टर्स, आपके हॉर्मोन्स, देन आपके पास एक पीएच इंडिकेटर रहता है जो पीएच के चेंज होने पर आपको इन्फॉर्मेशन दे कि पीएच चेंज हो गया है। तो ये सब चीजें मिलकर एक बैलेंस्ड सोल्यूशन बनाती हैं जो सेल को इन विट्रो बॉडी से बाहर ग्रो करने में बहुत यूजफुल है। इसको आप कल्चर मीडियम कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डील करूंगा कि कैसे आप सेल्स को सब कल्चरिंग कर सकते हैं, कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन आप बना सकते हैं सेल की, कैसे उसको आप सब कल्चरिंग करते हैं, ट्रिप्सिन का क्या रोल है, और साथ में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट सेल्स को कैसे क्रायो प्रिजर्व करते हैं। तो क्रायो प्रिजर्व सेल्स कैसे होते हैं, क्यों करने की जरूरत है, ट्रिप्सनाइजेशन कैसे करते हैं, उनकी सबकल्चरिंग कैसे करते हैं, और कुछ कॉमनली यूज्ड सेल लाइंस भी डिस्कस होंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू टिल नाउ।